तो नमस्कार भाइयों, मैं आज बात करने वाला हूँ बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में जो एशिया कप का मैच खेला जाएगा उसके बारे में। कुछ ड्रीम प्रेडिक्शन बताऊंगा, फैंटेसी टिप दूंगा, पिच रिपोर्ट बताऊंगा, स्टेडियम बोलूंगा, कौन कौन प्लेयर लेने से हम लोग का टीम बनेगा अच्छा, कौन कौन प्लेयर लेने से हम लोग को जो ड्रीम टीम में जो प्लेयर आएगा उस अच्छा होगा, ठीक है, कौन प्लेयर लेने से हम लोग को जैकपॉट होना होगा, तो यही सब हम लोग बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं स्टेडियम का। तो स्टेडियम हम लोग कहाँ कहाँ पर मैच खेला जाएगा, मैच होगा आप लोगों को श्रीलंका में, श्रीलंका कोलंबो स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। तो यहाँ पर पिच रिपोर्ट क्या होती है, देखिए यहाँ पर कोलंबो में तो स्पिन को तो यहाँ पर हेवी शूट पिच शूट करता है, हेवी शूट करता है और फ्लैट रहता है, स्पिन के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अभी दो दिन पूरा बारिश हुआ है तो इसीलिए पिच थोड़ा धीमी हो गया है, ठीक है, तो वही वजह थोड़ा फास्ट बॉलर को तो थोड़ा हेल्प मिलेगा भैया, मिल जाएगा थोड़ा फास्ट बॉलर का हेल्प। अगर फिर बारिश होता है तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा। तो हम लोग बेसिकली स्पिनर को ही लेंगे, ठीक है। तो फाइनल टीम में आप लोगों को यूट्यूब में नहीं दूंगा, यूट्यूब में मैं आप लोगों की टीम बना के दूंगा। फाइनल टीम में आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल पर आना, ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आप लोगों का मेरा फाइनल टीम मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। बेसिकली देखिए श्रीलंका में हसरंगा नहीं खेल रहा, चमिका करुणा रत्ना नहीं खेल रहा है, मेन दो प्लेयर नहीं खेल रहा है उन लोगों का, ठीक है। आप लोग कुशल मेंडिस ओपन करेगा, कुशल मेंडिस ओपन नहीं कर रहा, सॉरी भाई ओपन कर रहा करुणा रत्न ओपन कर रहा और प्रथम निशंक का ओपन कर रहा है। अब बांग्लादेश से मिराज ओपन करेगा और नीम शेख ओपन करेगा, तो ठीक है। तो हम लोग स्मॉल लीग में, स्मॉल लीग खेलने से खेलने हम लोग अगर खेलते हैं तो हम लोग क्या करना पड़ता है, ऊपर का बैट्समैन लेना पड़ता है, ठीक है। अगर हम लोग ग्रैंड लीग खेलेंगे तो ग्रैंड लीग में क्या करना पड़ता है, हम लोग को नीचे का बैट्समैन लेना पड़ता है। तो वही हिसाब से हम लोग को टीम बनाना है भाई, ठीक है। तो चलते ड्रीम इलेवन पे बात करते हैं हम लोग का कौन सा टीम रहेगा, कौन कौन प्लेयर लेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों आओ। तो भाइयों हम लोग ड्रीम इलेवन पे आ गए हैं। तो देखिए विकेट कीपर सेक्शन में मुस्तफिजुर रहीम है, कुशल मेंडिस है, लितोन दास है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे कुशल मेंडिस को और मुस्तफिजुर रहमान को, ठीक है। हम लोग दोनों को ले, लिटन दास का मैं नहीं ले रहा हूँ, लिटन दास को उतना अच्छा फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो बैटिंग सेशन में आइए, सांतो है, प्रथम निशंका है, करुणा रत्न है, हिदय है, तेज असलंका है, आसिफ हुसैन है, नीम शेख है, ठीक है, यही सब है। तो हम लोग ऐसे लेंगे प्रथम निशंका को एंड चरित असलंका को, दोनों बैट्समैन हम लोग लेंगे। ऑलराउंडर सेक्शन में आइए, साकिबुल हसन है, मेहंदी हसन मिराज है, डिसिल्वा है, सनाका है, ठीक है, यही सब प्लेयर है। तो यहाँ से हम लोग लेंगे साकिबुल हसन को, मेहंदी हसन मिराज को, डिसिल्वा को एंड आप लोग सनाका भी को ले सकते हैं, पर मैं अभी के लिए नहीं ले रहा हूँ, बाद में देखा जाएगा, टेलीग्राम पे मैं देखूँगा क्या करना है। तो आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तस्कीन अहमद है, मुकेश दीक्षेना है, सैफुल असलम है, रचिता है, प्रथम पथिलाना है। तो तस्कीन अहमद, मुकेश दीक्षेना, सैफुल इस्लाम और पथिलाना, मैं यही चार बॉलर को लूँगा। तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए बेस्ट जो ऑप्शन होगा साकिबुल हसैनी है, साकिबुल हसन का मैंने कैप्टन दे दिया और यहाँ से मैं वाइस कैप्टन दूंगा डिसिल्वा को, जो आपको बॉलिंग बैटिंग दोनों से पॉइंट दिलवाएगा भाइयों, ठीक है। तो ये है हम लोग का स्मॉल लीग का एक छोटा मैंने टीम दिया है, ग्रैंड लीग का टीम मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, ठीक है, देख लीजिए भाइयों, अच्छा टीम है, साकिबुल हसन और डिसिल्वा आप लोगों दोनों को आप लोगों को पॉइंट दिला के जाएगा। थैंक यू दोस्तों।